एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा रहा करता था। वह एक शेर था। सभी जानवर उसके आदेशों का पालन किया करते थे। उसको राज किए हुए 30 साल हो गए थे। शेर अब बूढ़ा हो चुका था, तो सभी जानवरों ने एक दिन सभा बिठाई और सोचा कि क्यों ना हम अब राजा बन ले। एक दिन सभी जानवर सभा बिठाते हैं और शेर कहता है कि मुझे अब यहाँ राज करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग नया राजा चुनें। आप चाहे तो वापस से मुझे भी चुन सकते हैं और अपना राजा बना सकते हैं। तभी भेड़िया बोलता है कि मैं इस जंगल में नया आया हूँ, पर मुझे राजनीति के बारे में काफी कुछ पता है, तो मैं भी उठूंगा। और भेड़िया वादा करता है सबसे कि अगर मैं राजा बन गया तो मैं सबके लिए सुरक्षित एक जगह बनाऊंगा और उनके लिए खाने की कमी कभी भी नहीं होने दूंगा और उनके बच्चों को खेलने के लिए एक जगह भी दूंगा। सभी जवान जानवर सोचते हैं कि हम नए भेड़िए को वोट देंगे। तभी हाथी कहता है कि ऐसे हमें बिना सोचे समझे भेड़िए को वोट नहीं देना चाहिए। अभी तो हम इसके बारे में अच्छे से जानते भी नहीं हैं। तभी भालू उसके बात में हामियां भरते हुए कहता है, हाँ हाथी सही कह रहा है, हम तो अभी इसके बारे में जानते भी नहीं। ये तो अभी जंगल के बारे में भी नहीं जानता और ये अभी नया नया ही आया है। तभी जवान जानवर कहते हैं, नहीं हम तो भेड़िए को ही वोट देंगे। ये काफी छोटा है और इसे अभी नई राजनीति के बारे में भी पता है। तभी जिराफ कहता है, हाँ हिरण तुम सही कह रहे हो, यह अभी जवान है और इसे नई राजनीति के बारे में भी पता है। तुम सब लोग तो बूढ़े हो गए और शेर भी काफी मूर्ख है। इसे तो जंगल में जीने के नए तरीकों के बारे में भी नहीं पता। हम तो भेड़िए को ही वोट देंगे। चुनाव का दिन आ चुका था। सभी जवान जानवर भेड़िए को वोट देने जा रखे थे और सभी बूढ़े जानवर शेर को। वोट हो चुके थे और भेड़िया एक ज्यादा वोट से जीत चुका था। और वह सभी जानवरों को कहता है, शुक्रिया, आप सबने मुझे वोट दिया और जिताया। मैं अब से कभी भी आपके लिए खाने की कमी नहीं होने दूंगा और आपके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढूंगा। और वह सबसे यह भी कहता है कि मैं शाही बगीचे को भी खोल लूंगा जिसमें आपके बच्चे खुशी खुशी खेल सकते हैं और उन्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। सभी बच्चे वहाँ मजे से खेल रहे थे और हिरण का बच्चा खेलते खेलते जंगल में कहीं दूर चला जाता है। अब शाम हो जाती है। धीरे धीरे सभी जानवर अपने घर जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो गई थी। हिरण बगीचे में आती है क्योंकि उसका बच्चा अभी तक घर नहीं आया था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसको अपना बच्चा नहीं मिलता। फिर हिरण महाराज भेड़िए के पास आती है और कहती है, महाराज महाराज मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? वह
आखिरी बार बगीचे में खेलने आया था। तभी भेड़िया कहता है, तुम्हारा बच्चा हो गया है क्या? मैं अपने सिपाहियों को अभी उसे ढूंढने भेजता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ और आराम करो। फिर हिरन वहां से घर के लिए चली जाती है। ऐसे ही काफी दिन हो गए थे, मगर हिरन का बच्चा नहीं मिलता। और धीरे धीरे काफी ज्यादा जानवरों के बच्चे गायब होते रहते हैं। जब भेड़िया कुछ नहीं कर पाता तो वह सब शेर के पास जाते हैं और उसको पूरी बात बताते हैं। और फिर भालू कहता है, अभी तक 5 से 6 जानवरों के बच्चे गायब हो गए हैं और भेड़िया कुछ नहीं कर पा रहा। फिर शेर कहता है, हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। तभी हाथी कहता है, मैं अपने बच्चे को वहां खेलने भेजूंगा और हम उस पे नजर रखेंगे। शाम हो जाती है और सभी जानवर के बच्चे बगीचे में खेलने आ जाते हैं। अभी बड़े जानवर पीछे से छुप के उन्हें देख रहे थे और हाथी बोलता है कि शाम हो चुकी है, यही वक्त है जब सभी जानवर गायब होते हैं। तभी हाथी का बच्चा खेलते खेलते थोड़ा आगे आ जाता है और उसके सामने भेड़िया आ जाता है। वह उसके ऊपर झपट जाता है और अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी शेर उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है और भेड़िए को पकड़ लेता है। तभी जानवर सभा बिठाते हैं और शेर उनको बताता है, देखो गलत डिसीजन लेने की वजह से तुमने एक गलत राजा चुन लिया था। अब जो हो गया हम उसे ठीक तो नहीं कर सकते, पर अब से कभी भी किसी को भी बिना जाने मत चुना करो। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना किसी को जाने उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और धन्यवाद हमारी कहानी देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई हो।